Not. So in this game, what happens that a logo, a company logo would be projected on your screen, and you have to identify whether or not this company is Indian or recently has become Indian by the virtue of some Indian purchasing the company or the maximum shares in the company. So please be present, please be available. I'm going to share my screen. So please confirm me. Can you all see what is on my screen right now? Right. And what you are going to do is you are going to use the chat box for answering purpose. So if you know the answer, please answer in the chat box. I request Nitish to moderate the entire session so that I know who's the person who answered in the first place correctly. So are we ready for this question? Indian or not? Give me a big thumbs up if you all are ready. Give me a thumbs up if you are ready for the game of Indian or not. Okay, all right. So I see a lot of people are ready. If you are ready, type in the chat box. I'm seeing some replies in the chat box. Yes, I'm getting some replies. That's really very nice. So what's going to happen over here now is that you have to identify whether the brand is Indian or not. You have to type the response in the chat box on behalf of your team. Since we are not going to do it in any teams, we are going to keep it individual. You have to answer for yourself. Here is your first question. You have to tell me, Peter England, is it Indian or is it not? ये जो आप पीटर इंग्लैंड का लोगो देख रहे हैं कि ये इंडियन ब्रांड है कि नॉट इंडियन ब्रांड है, आपको चैट बॉक्स यूज करना है. चैट बॉक्स में आप आंसर कीजिए, व्हाट इज योर आंसर. मैं एक बार चैट बॉक्स भी ओपन कर लेता हूं. यहां पर कुछ रिप्लाईज मुझे आ रहे हैं. आपको यस और नो नहीं लिखना है, आपको लिखना है इंडियन और नॉट इंडियन. इंडियन और नॉट इंडियन आपको लिखना है. तो यहाँ पर रिप्लाई आ रहे हैं. एक रिप्लाई आया है इंडियन, एक आया है नॉट इंडियन. सुरेंद्र जी कहते हैं इंडियन, रविशंकर गुप्ता जी इज ऑल्सो सेइंग इंडियन. तो मैं आपको बता दूं, पीटर इंग्लैंड इज एक्चुअली एन इंडियन ब्रांड. इंडियन ब्रांड है पीटर इंग्लैंड, एक इंडियन ब्रांड है. दैट्स रियली वेरी नाइस, यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग. चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ. मैं इसमें सिर्फ टोटल तीन और क्वेश्चंस करने वाला हूं. एक क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, बचे हैं तीन और क्वेश्चंस. तो देखते हैं आपके बाकी के बचे हुए तीन क्वेश्चंस में किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं. उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा नितिश से कि नितिश अपने जो टॉपिक आज के लिए पिक किया है. आर यू रेडी विद दैट? ऑलराइट, सो आफ्टर दिस गेम आई विल हैंड इट ओवर टू नितिश. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले लोगों की तरफ. द नेक्स्ट कंपनी लोगो इज बोस. बोस आपको बताना है कि इंडियन ब्रांड है कि इंडियन ब्रांड नहीं है. इज इट इंडियन और नॉट इंडियन? आशीष जी कहते हैं इंडियन, संतोष कुमार साहू जी कह रहे हैं नॉट इंडियन, जिग्नेश पटेल नॉट इंडियन, रितेश गोसाई नॉट इंडियन. तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बोस, ऑल दो नाम सुनने में बड़ा हिंदी हिंदी सा नाम लग रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा नाम लग रहा है ये बोस, पर मैं आपको बता दूं, बोस एक ऑडियो इक्विपमेंट्स का ब्रांड है और ये ब्रांड इंडियन नहीं है. इट्स अ नॉन इंडियन ब्रांड, इट्स नॉट इंडियन. सो ये आपका जवाब है कि बोस जो कंपनी है ये एक नॉन इंडियन कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है. काफी अच्छे रेस्पॉन्सेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं लोगे चैट बॉक्स में, तो प्लीज अपने आंसर्स लिखते रहिए. अगला जो सवाल है आ रहा है आपके स्क्रीन पर, ये बहुत फेमस ब्रांड है, हम सभी लोग यूज करते हैं इस ब्रांड को. आपको बताना है कि क्या ये ब्रांड इंडियन है या फिर इंडियन नहीं है. सो बताइए मुझे लाइफ बॉय. लाइफ बॉय की कोई टैगलाइन लिख के बताना चाहेगा? टैगलाइन क्या है लाइफ बॉय की? टैगलाइन लाइफ बॉय की जो पंचलाइन है वो क्या है? कोई बताए मुझे कि पंचलाइन क्या है? इस बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ बॉय जो है वैसे तो हर एक घर में मौजूद है, घर घर में मौजूद है, पर लाइफ बॉय एक नॉन इंडियन ब्रांड है. जी हाँ, रितेश जी ने लिखा है जिंदगी की रक्षा करता है लाइफ बॉय. संतोष कुमार साहू जी कह रहे हैं हेल्दी होगा हिंदुस्तान. हो सकता है बदल गई हो तो मुझे रिसेंट वाली पता नहीं है. लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां इज द करेक्ट वन. जिंदगी की रक्षा करता है लाइफ बॉय, उस जिंगल के बीच में आता है कहीं ना कहीं, उस गाने के बीच में आता है. तो लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, ये इसका एक पंचलाइन है. ये सुरेंद्र प्रजापति जी ने बताया.
एक बार प्रजापति जी के लिए सभी लोग तालियां बजाएंगे भाई जोरदार। तो मैं तीन अभी तक आपसे पूछ चुका हूं, एक और यहां पर करता हूं। ये कंपनी जिसका कि नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, सबको पता है इस कंपनी ने हमारे देश पर बहुत अत्याचार किए हैं एक समय में। आप मुझे बताइए ये कंपनी जो है इंडियन कंपनी है कि नॉन इंडियन कंपनी। रितेश गोसाई जी कहते हैं इट्स नॉट इंडियन, सुरेंद्र जी कहते हैं नॉन इंडियन। कोई और जवाब हमारी ऑडियंस की तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी। शेषनाथ जी ने लिखा है कि इंडियन है, गौरव कुमार जी भी कहते हैं कि इंडियन है। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की एक छोटा सा दस्ता एक आया था और उन्होंने धीरे 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 करके पूरे भारत पर कब्जा करने की कोशिश की और तकरीबन कर भी लिया था। तो मैं आपको बता दूं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर स्टेक्स एक इंडियन के पास हैं। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंडियन कंपनी बन जाती है। और मैं तो चाहता हूं कि इस बहुत ही अमेजिंग से फीट के लिए, इस बहुत ही अमेजिंग सी बात के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हम सभी देशवासियों के लिए कि एक ऐसी कंपनी जिसने कि भारत देश को गुलाम बनाने की कोशिश की, आज वो कंपनी एक इंडियन के द्वारा रन की जाती है, एक इंडियन के द्वारा खरीदी गई है। सो अपने आप में बहुत ही एक बेहतरीन सी ये बात मुझे लगी और इसलिए मैंने ये जो क्विज है आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको लग सकता है कि इंडियन नहीं है पर इंडियन है, और बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आपको लग सकता है, आपको ये शायद लगे कि ये तो इंडियन कंपनी है पर इंडियन नहीं है। तो एज अ कंज्यूमर आप लोगों को ध्यान रखना है और अपने देश को आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ इंडियन खरीद लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप खरीद सकते हैं तो सब कुछ इंडियन खरीद लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बस एक इन्फॉर्म्ड वाइज चॉइस लीजिए, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए कि आप इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करें, इंडियन ब्रांड्स को आगे बढ़ाएं, जिससे कि देश का पैसा देश में रहे, देश का पैसा देश के लोगों के पास जाए और देश की तरक्की दिन दुनी और रात चौगुनी होती रहे। ओवर टू यू नित्य शर्मा फॉर द रिमेनिंग सेशन एंड देन आई विल टेक ओवर व्हेन माय पार्ट कम्स। थैंक यू।